जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे। ठीक है, आज का जो शूट है, जो रिकॉर्डिंग है कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ पावरट्रॉनिक को लेके। कर रहा हूँ कि देखेंगे भाई बाइक ने क्या परफॉर्म किया है, ठीक है, क्या एक्सेलरेशन रही है, और इतना कुछ मॉड्स करने के बाद कैसा बाइक का बिहेवियर है, रिस्पॉन्स कैसा बाइक का, ठीक है, कि क्या क्या बदलाव आए हैं उसमें। तो वो चीज़ को लेके आज मैंने शूट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, कि भाई बाइक का एक्सेलरेशन वगैरह कैसे है। वो एक्चुअल मैंने पहले शूट किया था, तो बाद में मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि एक्सेलरेशन कैसा था बाइक का, क्या क्या पिकअप, कैसे बाइक का पिकअप रहा था, और एक्सेलरेशन में कितना फ़र्क है, और 0-100 या 140 में कितना डिफरेंस है। पहले तो आप यार ये पूरा वीडियो देखिए जो मैंने बनाया है पहले, तो जो पावरट्रॉनिक का है उसमें कुछ दिक्कतें भी आई हैं, पहले वो देख लीजिए। सो गाइस, आ गया हूँ मैं हाईवे पे। हाईवे पे क्या करने आया हूँ, इसका पावरट्रॉनिक का एक्सेलरेशन टेस्ट करने के लिए कि क्या एक्सेलरेशन टेस्ट है। मैं अपना वेट बताता हूँ, मेरा वेट है 90 kg और पीछे मेरे बैग है अप्रॉक्स 4 या 5 किलो का वेट होगा इसमें, ये 95। तो वही चेक करेंगे कि क्या एक्सेलरेशन रहता है, क्योंकि पावर टू वेट रेशो को फर्क पड़ता है उस चीज़ का। और थोड़ा रोड क्लियर हो जाए उसके बाद देखता हूँ, क्योंकि मेरा वेट 95 है। अगर मेरे से कम 20 किलो का बंदा अगर इसको टेस्ट करेगा तो पिकअप का आई थिंक हाफ सेकेंड या अप्रॉक्स 1 सेकेंड का फ़र्क पड़ेगा। तो अभी थोड़ी सी ट्रैफिक काफ़ी है, तो एक बार थोड़ा सा क्लियर हो जाए, दैन इसका चेक करेंगे 0-100 चेक करेंगे क्या फ़र्क पड़ा है इसमें। और जो एक्सपीरियंस है सारे तो क्योंकि पावर पॉट्स वगैरह जितने डले हुए हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, जिस ब्लॉग में पहले ही बता चुका हूँ, बट इसमें दोबारा से बताऊँगा कि पावरट्रॉनिक का मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो रोड क्लियर है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद चेक करते हैं। अपने को सिर्फ 1 किलोमीटर का बैटरी जाना चाहिए। और यार ये बीच में आ रहा है, तो देखो जरा आ रहा है। हाँ गाड़ी स्टार्ट कर। मुझे थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रक चल रहा है, तो यार आगे फ्लाईओवर भी चढ़ रहे हैं, तो चेक करेंगे दोबारा से। और थोड़ा सा इंक्लाइन है, हल्की सी चढ़ाई है, और मेरे शायद हल्का सा लॉन्च में भी गड़बड़ थी। बात तो सही है। तो अब टेस्ट करते हैं। टेस्ट करते हैं 0-100 प्लस भाई यहाँ से ये हुई ना बात। कर लो पहले। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देख। मैंने बीच में दोबारा अटेम्प्ट किया था इसको खींचने का, मैं चल चेक करता हूँ। देन फिर अगेन यार 140 पे आके बाइक ऐसे रिएक्ट करिए ना, क्या ही हो गया है। हेलो ज़्यादा यह दिक्कत आ रही है, हैंडल थोड़ा भारी सा हो रहा है और दूसरा है ड्रैग इतना ज़्यादा रिलाइज हो रहा है कि बाइक पूरी नॉट हुई है। वीडियो तो आपने देख ली है कि एक सेकेंड में यार मोबाइल ना रख देता हूँ पहले कहीं पर, अब ठीक है। सो वीडियो तो आपने देख लिया यार और मैंने बताया भी यार क्या दिक्कत आई है, बाइक ना वॉबल करने लग गया था ऐसे 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 ऐसे, तो भाई यूं यूं हो गई थी एक टाइम के लिए। फिर मैंने कहा दोबारा एक बार अटैम्प्ट करते हैं, बट देखा कि उसके बाद भी वॉबल कर रही है बाइक। तो वॉबल का इशू पता क्यों आ रहा था, क्योंकि अपन ने कल लगवाए थे मैड डॉग के फॉगलम, जो आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा। रिकॉर्ड आज कर रहा हूँ बट व्लॉग आज अपडेट होगा, जो फॉगलम वाला है वो मैंने कल लगवाए थे। तो कल फॉगलम लगाए थे तंजू भाई की बाइक पर और मैड डॉग अल्फा, और इंडिकेटर्स वगैरह चेंज करे थे, ठीक है। और जैसे हार्ले स्टाइल नहीं होते बैक वाले इंटीग्रेटेड होते हैं जिसमें ब्रेक लाइट, वो वाले इंडिकेटर्स हैं पिछले वाले, और फ्रंट एलईडी है, और पूरा यानी कास्ट आयरन का है जो पूरा स्ट्रक्चर इंडिकेटर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इंडिकेटर है। तो फॉग लैम्प हमने क्या करा सस्पेंशन में माउंट करते हैं, सो दैट हमारी राइड आने वाली है। तो हम अर्ली मॉर्निंग 4 बजे निकलेंगे, 4 बजे निकलेंगे तो अंधेरा होगा भाई पहाड़ों में, तो अपने को था कि रिस्पांस जो थ्रो है वो थोड़ा जो बाइक चला रहे हैं उस हिसाब से रहेगा, हैंडल मोड़ेगा तो थ्रो भी उस हिसाब से रहेगा, और पीछे से आवाज़ आ रही है उस पर ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि बंदे आते रहते कैफ़े में। सो सीन क्या हुआ था कि कैफ मेरे को कल डाउट लगा था, तनुज भाई को बोला था मैंने कि भाई फॉग लैंप लगा तो रहे हैं क्रैश गार्ड में, कहीं मेरे को लग रहा है हैंडल भारी ना हो और वॉबल ना करे। तो वही सीन हो गया आज बाइक लेके गया मैं, जब टेस्टिंग कर रहा था पावरट्रॉनिक की। तो दिक्कत क्या आई कि बाइक ना जैसे 140 पे है, फील हो रहा है बाइक भारी है, हैंडल थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि विंड ड्रैग आ रहा है, तो थोड़ा जोर लग रहा है उसको स्टेबल करने में ज़्यादा। तो जैसे ही 140 क्रॉस कर रहा ना मैं, 140 या 150 टच होने वाला हूँ, हैंडल यूं 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 वो वॉबल करना शुरू हो गया। और हमने जो फॉग लैम्प लगाए हैं वो लगाए हैं मैड डॉग के अल्फ़ा का साइज़ इतना बड़ा है भाई, इतना दोनों साइड इतना लग गया, आउटर साइड जो सस्पेंशन के, तो विंड ड्रैग क्रिएट करेगा, विंड ड्रैग होगा, हल्का सा टर्न करेगा कुछ करे तो वो वॉबल करेगा। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा वॉबल करा था, तो पहले मुझे लगा कि भाई पता नहीं क्या ही हो गया कि क्यों हो रहा है वॉबल। सस्पेंशन अभी ठीक कराए थे इसके, और प्री लोड एडजस्टर लगवाए थे, और क्या कहते हैं अपना टायर चेंज हुए, रेडस्टन के टायर चेंज हुए इसमें, जो WT टायर है हाई स्पीड टायर है वो डले हैं, और ग्रिप भी अच्छा होता है इसका। मैं वॉबल कर क्यों रहा है, क्योंकि पहले वॉबल करता था हाई स्पीड पे काफ़ी, अगर आप चल रहे हो तब आगे दिक्कत आती, कभी कभार होगी, पहले आती थी दिक्कत पर वो बंद हो गई थी यानी, मैंने पहले भी 170 चलाया हुआ है। तो देन ध्यान दिया यार, मैं कहा यार ये तो पॉपट हो गया, ये क्या कर दिया, ये कर दिया भाई, फॉग लैम्प लगा दिए, उस वजह से हो रहा है वॉबल। तो उसी कारण था जो वॉबल होने का दिक्कत आता, क्योंकि फ्यूल एक्स के टाइम भी मैंने बाइक को भगाया था, देखा होगा कि 160 लगाई थी बाइक मैंने, तो उस टाइम दिक्कत नहीं था, उस टाइम बिल्कुल स्टेबल यार भाई एकदम, अगर मैं ऐसे भी हो रहा हूँ ना बढ़िया चल रही है बाइक 140 पे भी। अब वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आज फॉग लैम्प की माउंटिंग भी चेंज करेंगे, उसकी पोजीशन चेंज करेंगे फॉग लैम्प की, इसलिए भी थम्पर्स आया हूँ मैं, भाजी को बताया था मैंने कहा यार ये सीन हो गया है। तो तनुज भाई के पास मेरी बाइक है, वो लेके आ रहे हैं अपना घर से, बाइक लेके आ रहे हैं भाई, जिम के बाद डाइट वाइट खानी होती है ना, बॉडी बना रहे हैं तो वो ठीक कर रहे हैं, तो इस वजह से तो वो घर से यहाँ पर आएंगे। तो इतने बाइक मैंने थोड़ी साफ़ कर दी है, उस पर फॉग लैम्प की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, क्रैश गार्ड के ऊपर लेके आ रहे हैं, बाकी देखते हैं, कुछ मूड का नहीं पता, क्या पता है फॉग लैम्प हम निकाल दें राइड के बाद आने के बाद, तो फिलहाल तो वो देखते हैं। और बाइक का यार मैं आपको जाके बाहर जाके दिखाता हूँ कि क्या क्या परफॉर्मेंस मोड्स हैं और क्या क्या फ़र्क आया, कितना पावर है, ठीक है। एक्सेलेरेशन का तो मैंने आपको दिखा दिया यार, थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा बेटर हो गया, एक्सेलेरेशन का भी बेटर हो गया भाई, जो 0-100 वगैरह है ना वो काफ़ी अच्छा हो गया, थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो गया, और 140 पे अच्छी आ रही है। बट मेरे पास मेरा वेट ज़्यादा था यार, बैक वेट में था, इसलिए नहीं शूट करूँगा जिसमें सिर्फ राइडिंग के डालूंगा, पर बात वही आ जाएगी, घूम फिर के राइडिंग के डाला होगा और प्लस बैक का वेट सेम हो जाएगा। बट ये था विंड ड्रैग भी आज काफ़ी ज़्यादा था, उस वजह से थोड़ा मेरे को लगा, पर बाइक का थ्रॉटल बहुत बेटर हो गया है, जो जा रही है ना 100-140 बहुत स्मूथली जा रही है, दिक्कत नहीं आ रही है भाई, बीच में कोई आगे आ जाए, कोई आगे आ जाए, कोई आ जाए। चलो इसी छोड़ते हैं, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ बाइक के कि क्या क्या बाइक में करवा रखा है हमने, क्या लगवाया है। ये इस बार मैं हर बार बताता हूँ, आज दोबारा बताऊँगा क्योंकि अपने नए बंदे देखते हैं वीडियोस तो उनको नहीं पता लगता है कि भाई क्या क्या बाइक में था, वो पुरानी वीडियो देखेंगे, तो इसीलिए इसी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या लगवा रखा है। ये आगे हम बाइक के पास, ठीक है, ये तो पहले तो रैप, हर बार रैप चेंज होता है बाइक का, पर्पल ग्रे, नवनाडो ग्रे प्लस कार्बन फाइबर, ये रैप है। और मैं वही आपको कह रहा था कि भाई फॉग लैम्प की पोजीशन है ना, अब दिखाता हूँ, ऑन है भाई, अरे भाई जो फॉग लैम्प की पोजीशन है ना वो यहाँ पर लगी हुई है, सस्पेंशन के आउटर साइड। हाँ बेटा आउटर साइड लगी है तो उस वजह से क्या है विंड ड्रैग आ रहा है। तो फॉग लैम्प की माउंटिंग हो रही है सामने की तरफ। अब देखो यार कितना आउट है, बाहर है फॉग लैम्प और कवर्ड है पूरे। अपन सिटी में भाई कवर्ड रखते हैं, जब राइड पे जाना तब करते हैं इसको। तो इस वजह से विंड ड्रैग आने की वजह से और प्लस वेट भी है इनका, इस वजह से वॉबल मार रहा है ये बहुत ज़्यादा, बाइक बहुत ज़्यादा वॉबल मार रहा है। अब देख लो यार विंड ड्रैग तो आएगा ना, इतनी बड़ी चीज़ अगर आपने लगा रखी है बाइक के आगे। एक तो कुलदीप ने भाई वो चला रखा था ग्राइंडर। हाँ तो मैं क्या कह रहा था पहले, अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस मॉड्स के ऊपर। क्या क्या परफॉर्मेंस मॉड्स हमने इसके ऊपर कर रखे हैं। सबसे पहले आ जाते हैं स्पार्क प्लग की ओर, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ इसमें NG के स्पार्क प्लग लगे प्लस फिर कॉर्ड चेंज हो रखी है, ठीक है। और बाइक के अंदर लगा एयर फिल्टर, वो किसका लगा है मोटो विंग्स का परफॉर्मेंस एयर फिल्टर। और रेड रूस्टर के लगे, सॉरी रेड रूस्टर बोल दी गलती से, AWE के लगे हैं इसमें स्लिप ऑन एग्जॉस्ट। सिर्फ स्लिप ऑन लगाए हैं, फुल सिस्टम नहीं है, सिस्टम एग्जॉस्ट नहीं लगाए, सिर्फ स्लिप ऑन लगाए हैं हमने। स्पार्क प्लग हो गया, एयर फिल्टर हो गया और स्लिप ऑन एग्जॉस्ट हो गया, ये सारे मॉड्स हमने कर रखे हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं अपन फ्यूल एक्स के ऊपर। नेक्स्ट है फ्यूल एक्स, यानी बाइक के यानी फ्यूलिंग को बेटर करता है फ्यूल एक्स, ठीक है। जो जर्क वगैरह होता है थोड़ी राइड को स्मूथ कर देता है। और नेक्स्ट मोड हमने क्या किया था इसमें, किया था भाई ये वाला पावरट्रॉनिक, उसका स्विच हमने ये वाला लगाया है। इस टाइम मैप 2 में जो मैंने टेस्टिंग इसकी करी थी वो मैंने मैप 2 के ऊपर करी थी, 2 में मैंने इसकी टेस्टिंग करी थी। और बात की जाए बाइक के एक्सेलेरेशन की, एक्सेलेरेशन बेटर हो गया। पावर फिगर की बात की जाए 47 bhp है जो इंटरसेप्टर अपना है, ठीक है। और एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग और स्लिप ऑन एग्जॉस्ट और प्लस पावरट्रॉनिक, इसको लगाने के बाद बाइक के bhp अप्रॉक्स 50+ हो गई है। तो 4 से 5 bhp का फ़र्क बड़ा है बाइक पे, क्योंकि मैंने भाई स्टॉक इंटरसेप्टर है और ये चलाई है भाई, थ्रॉटल में बहुत फ़र्क है भाई। बाइक उठता है ना जो, और जो स्टॉक उठता है बहुत फ़र्क है। नहीं, और इसका वेट रिडक्शन भी थोड़ा है, वेट रिडक्शन, स्टॉक एग्जॉस्ट चेंज है, ठीक है। और एग्जॉस्ट से रिमूव्स है, ठीक है। हैंडल हमने चेंज कर रखा है इसका। और अब इंडिकेटर्स वगैरह थोड़े हैवी लगे तो वेट ज़्यादा फ़र्क नहीं है, नॉर्मल सा फ़र्क है। 203 किलो का वेट है इंटरसेप्टर का, बट हमने रखा रिम में है, ठीक है। पिछला पैराक का रिम है और आता इसमें 18 इंच था, तो रिम के वेट में ही फ़र्क था, पैराक का रिम थोड़ा लाइट था, इससे उस चीज़ का फ़र्क पड़ा है। तो यानी बाइक में या 2-3-4 किलो का फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था उसके बारे में कि स्टॉक इंटरसेप्टर के बारे में, उससे यार बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स हो गया। वेट में 3-4 किलो का फ़र्क है, 203 है तो 199 होगा वेट, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, इसके आसपास वेट होगा। क्योंकि AWE लाइट वेट है और जो अपना स्टॉक एग्जॉस्ट है वो बहुत भारी है भाई। हमने टेल रिमूव किए, लाइट रिमूव किए, काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस कर रखे हैं हमने बाइक पे, काफ़ी कुछ लगाया भी है और कम भी किया है। और परफॉर्मेंस में बात की जाए तो 50+ bhp का इसमें है, अंतर है स्टॉक और इसमें, तो 4-5 bhp का फ़र्क इजीली है। और पावरट्रॉनिक के बाद तो भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, ठीक है। आपने वीडियो देख ही ली है कि 0-100 कितने सेकेंड में किया इसने, और 140, और विंड ड्राइव भी था प्लस वेट भी था मेरा। अगर मेरे से हल्का बंदा करेगा तो यार ज़्यादा क्विक होगा, थोड़ा बेटर रहेगा। क्योंकि ये नोटिस किया है मैंने, क्योंकि जब मैं जावा में भी होता था तो गुरप्रीत का वेट मुझसे हल्का होता था, गुरप्रीत मेरे से आगे निकलता था। क्यों? क्योंकि भाई वेट कम है ना। और एक विंड ट्रैक नाम की चीज़ होती है, अगर हम बात की जाए पूरा लीन हो जाए फिर हवा बिल्कुल ना चल रही तो बहुत फ़र्क रहेगा, ठीक है। और पहले तो यार फॉग लैम्प की पोजिशन चेंज कराता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ कि फॉग लैम्प हम लगवा कर रहे हैं। बाकी देखते हैं, अगर नहीं लगवाए हमने वहाँ शिफ्ट नहीं करें निकाल देंगे, कुछ नहीं पता, या राइड से आके निकाल देंगे या अभी लगे रहने देंगे या क्रैश गार्ड बनाएंगे, तनुज भाई आएंगे उसके बाद देखते हैं, फाइनल करते हैं। तो यार यहाँ पर ना कस्टम बिल्ड चेन तैयार की जा रही है हिमालयन की, अपना स्नो के लिए, स्नो राइड के लिए। तो ये पाजी बना रहे हैं, हाँ उनको भेज रहे बर्फ़ में। पिछली बन गई है तो अगली का काम चल रहा है। अगली यार देखो यार बड़ी मेहनत लगती है, पूरा बनाया गया है, सारी यहीं बनी है, रैंडम चेन ला के पूरी यहाँ पर। ये स्टील वाली चेन है जो तैयार की गई है, इसका वेट कम है और लोहे वाली का तो वेट ज़्यादा होता है भाई। और ये रियर वाली तैयार होगी भाई, ये हिमालयन के रियर चेन पूरी, ये भी काम होते हैं यहाँ पर। और ऑर्डर पर तैयार होते हैं ये चीज़ें, पर इनमें टाइम लगता है पर, और एक कामयाब भी रहती है यार। तो हिमालयन का काम हो गया है डन, उसकी स्नो चेन तैयार हो गई है। तो किसी को अगर चेन भी बनवानी है तो कांटेक्ट कर सकता है भाई थम्पर्स कैफ़े में। नहीं यार जिसका काम करना तनुज भाई, फ़ोन करता हूँ यार। सो चेन का फ़ायदा क्या रहता है, जैसे एक्सट्रीम विंटर वाली राइड है, जैसे बर्फ़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, तो वहाँ पर भाई चेन बहुत कारगर रहती है, क्योंकि पाजी ने विंटर वाइड्स भी करा हुआ है KTM एडवेंचर में, सिर्फ एक ही बाइक गई थी लेके जैन के महीने में, तो स्नो चेन ने साथ दिया था। जो प्लास्टिक वाले होते हैं ना टायर के ऊपर लगते हैं, वो बिल्कुल फेल हो गए थे, तो स्नो चेन ने अच्छा साथ दिया था। तो चेन बेस्ट रहती है, तो किसी को बनवानी हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सेटअप रहता है चेन का। अनुज भाई तो यहाँ नहीं है, उनको टाइम लगेगा, तो यार बैक लुक देखो, मार लो बर्नआउट बाइक का। तो फाइनली डिसाइड किया मैंने कि एक बार ना फॉग लैम्प जो होल्स है ना इसके, यहाँ पर ना पहले फॉग लैम्प रखे थे, होल यहाँ पर था, तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्लैम्प है, जैसे ये वाली माउंटिंग है, ये माउंटिंग यहाँ पर ऐसे प्लेस करके फॉग लैम्प थोड़ा ऊपर की तरफ वॉशर लगा के इसको लिफ्ट करके ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो देखते हैं, पहले अभी सोचा है तो ऐसे दिमाग लड़ाना पड़ता है, देखिए ऐसे करना है, बाकी एक बार लग जाए ध्यान, देखते हैं। सेफ्टी भी जरूरी है, फॉग लैम्प्स की बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, तो देखते हैं, पहले लगा के देखते हैं। मिशन रहा सक्सेसफुल, और ये देखो अब दिखाता हूँ आपको फॉग लैम्प का क्वेश्चन। स्लाइडर से थोड़ा अंदर आ गया और हैंडल के भी अंदर है, और यहाँ अपने फॉग लैम्प लग गए, ठीक है, थोड़ा सा नीचे है, पहले इतनी हाइट पे थे, यहाँ थे, अब थोड़ा नीचे आ गया, देखो हाथ से अंदाज़ा लगा लो कितना नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, यानी इतना नीचे आ गया जो पहले फिटिंग थी। तो यहाँ पर क्या है, अपने को विंड रैक का भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये है कि हैंडल मोड़ते हुए लाइट जो पड़ती है मोड़ पे, तो वो चीज़ नहीं होगी, बट थ्रो फिर भी बेटर रहेगा, थ्रो की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ माउंटिंग कर रहे हैं, तो सारा काम हो चुका है डन। और पावरट्रॉनिक का ना एक बार से मैं वीडियो दोबारा भी बनाऊँगा, इसका पूरा वीडियो कि जो अभी इशूज़ थे ना जिस वजह से टेस्ट नहीं कर पाया था, ट्रैफिक भी था, तो एक बार से दोबारा इसका शूट करूँगा और देन आपको अपडेट करूँगा। तो फिलहाल के अपना व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।